ऐ खुदा, तो सबके ऊपर रहम करता है, हमारे गुनाहों को भी माफ कर। उससे कट गया, पता नहीं क्या था। उड़ के? हाँ, यहाँ ये तस्वीर से हो गया होगा। ये वो बेगम साहिबा, मैं अपनी अम्मी अब्बू की तस्वीर लेकर आई थी, पर बेगम साहिबा ये बहुत पुरानी तस्वीर है। इतनी पुरानी तस्वीर के कोने इतने तेज कैसे हो सकते हैं कि उंगली कट जाए और खून आ जाए? पुरानी यादें तो ज्यादा चोट पहुंचाती हैं बेटा, और तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम अपने अम्मी अब्बू की फोटो यहाँ पर ले आए। अभी तुम इन यादों की अहमियत नहीं जानती, लेकिन बहुत जल्द जान जाओगे। अब चलिए बेगम साहिबा, मैं दवाई लगा देती। अरे नहीं, इसी कोई जरूरत नहीं है। हम वैसे भी दरगाह जाने वाले हैं, तो वहां जाने से पहले वजू तो करना पड़ेगा ना। हम कर लेंगे, तुम रुको। बड़ी अम्मी कमरे में नहीं है। आपने फोन करके बोल तो दिया था ना कि हम पहुंच रहे हैं। हाँ, मैंने मुनीसा को बता दिया था। फिर लगता है शायद बड़ी अम्मी तक ये बात नहीं पहुंची होगी। आया, कोई बात नहीं, यहीं कहीं गई होंगी, अभी आ जाएंगी। ये देखो, हम ईद की मिठाई बांटने के लिए बड़ी मस्जिद जा रहे हैं। थैंक यू। आइए बेगम साहिबा, आइए, यहां संभालेगा। हाँ हाँ, आइए। बेगम साहिबा, आप यहीं रुकिए एक मिनट। हाँ, अल्लाह, ये ड्राइवर कहाँ चला गया? उसे ढूंढने के चक्कर में कहीं मेरा रंग फीका ना पड़ जाए, मैं तो हुई छुई मुई। बेगम साहिबा, आप यहीं रुकिएगा, यहाँ ना ड्राइवर नहीं है, मैं उसे अभी बुलाकर लाई, ठीक है ना? अरे तू सबकी झोली में कुछ ना कुछ डाल रही है, इस अल्लाह के बंदे पर भी करम कर दे। आइए बाबा। ये लीजिए बाबा। मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए। पैसे नहीं चाहिए? तो फिर क्या चाहिए बाबा? मुझे तू अपने ऐब दे दे, अपने फरेब दे दे, और अपनी चालें दे दे,
बाबा ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने कुछ गलत कहा? तू क्या सोचती है कि अल्लाह से तू अपने गुनाहों की माफी मांगेगी, अल्लाह तुझे माफ कर देगा? अल्लाह तुझे तब तक माफ नहीं करेगा जब तक तू अपने अंदर के शैतान को नहीं मारेगी। उसके बाद इबादत के लिए सर झुकाना, उससे पहले अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। ये क्या बकवास कर रहे हैं? कौन है आप? क्या बोल रहे हैं सब? मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे पैगाम लेकर के भेजा है। उसने कहा है कि अब तेरी बारी आई, वो तेरे गुनाहों की सजा जरूर देगा। क्या क्या कह रहे हैं आप? कौन है आप? तुझे तेरी गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। क्या बोल रहे हैं आप? लतीफ लतीफ सिक्योरिटी, कोई नहीं आएगा। सिक्योरिटी, तुझे तेरे गुनाहों से बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। तुझे तेरे गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी तुझे तेरे गुनाहों की सजा। तुझे कोई नहीं बचा सकता, तुझे कोई नहीं बचा सकता। तुझे तेरे गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी तुझे तेरे गुनाहों की सजा। या अल्लाह, ये जरूर कोई पागल था। हमने तो हमारे गुजरे हुए कल की परछाई तक को दफन कर दिया। हमारा गुजरा हुआ कल कभी भी पलट कर वापस नहीं आ सकता, कभी भी नहीं।
मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ आया। हाँ, वही बात जो मैं वहां कहना चाहता था। ये फौजी वहां हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन अब लगता है कि मुझे वो बात कह देनी चाहिए जो मैंने अपने दिल में छुपा के रखी। हया, मैं तुमसे राहत बोल रहे हैं? राहत, सलाम वालेकुम, मैं सनम बोल रही हूँ। मैं कल से हया को फोन ट्राई कर रही हूँ, उसका फोन नहीं लग रहा, वो ठीक है ना? हाँ हया, बिल्कुल ठीक है। हम आज शाम को ही घर वापस आए हैं। वो दिलशाद भी के आने का इंतजार कर रहे हैं, वो शायद कहीं बाहर गई। बस मुझे यही पूछना था, इसका मतलब हया को नहीं पता। राहत, एक बुरी खबर है। मैं भी ना क्या क्या सोचता रहता हूं। मुझे पता था कि अम्मी को मेरा बर्थडे याद रहेगा। अल्लाह तुझे तब तक माफ नहीं करेगा जब तक तू अपने अंदर के शैतान को नहीं मारेगी। वो तेरे गुनाहों की सजा जरूर देगा, तुझे तेरी गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। अम्मी, थैंक यू सो मच। अम्मी, आपको याद, मुझे लगा आप भूली गई थी। सुबह से आपने कुछ कहा नहीं, तो इसलिए मुझे लगा कि एक सेकंड आयत, क्या कह रहे हो तुम? क्या याद था हमें? आयल कुछ ऐसा है जो हम भूल रहे हैं? तुम क्या कह रहे हो, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अम्मी, मेरा निकाह एक बहुत ही खास दिन की वजह से हुआ था। और आयल बेटा, तुम्हारे निकाह से ज्यादा और खास क्या हो सकता है? अच्छा देखो बेटा, हमें एक बहुत जरूरी काम है, हम तुमसे बाद में बात करेंगे, ठीक है? बेगम साहिबा, ये आपने दूध कहा था। अच्छा, आप अंदर रख दो। अगर अम्मी ने केक नहीं रखा तो फिर वो केक रखा किसने? केक तुमने रखा? सनम, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या वो केक तुमने रखा? क्यों? क्योंकि आज आपका बर्थडे है। तुम्हें याद था? वो
रमजान चल रहा था तो मैंने सोचा। क्या सोचा तुमने? बताओ क्या सोचा तुमने? यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा बर्थडे याद रखने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या था। मकसद? क्या मतलब है इस सवाल का? मतलब ये है कि तुम कोई भी काम यूं ही नहीं करते, हर बात के पीछे कुछ राज छुपा होता है। तो इस बात के पीछे क्या बात है, क्या राज है? सुबह से किसी ने मुझे विश नहीं किया, किसी को मेरा बर्थडे याद नहीं था, लेकिन तुम्हें याद था। क्यों, अब क्या चाहती हो तुम? ठीक कहा आपने, बिना किसी मकसद के मुझे आपका बर्थडे क्यों याद होगा? लेकिन मुझे याद है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि इस घर में पिछले कुछ दिनों से जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ आपके बर्थडे की वजह से हो रहा है। ये निकाह जिसमें ना मोहब्बत है और ना ही कोई सच्चाई, इतनी जल्दबाजी में ये निकाह हुआ कि मुझे खुद पता नहीं चला, सिर्फ आज के दिन की वजह से। क्योंकि अगर आपकी 30वीं सालगिरह से पहले ये निकाह नहीं होता तो करोड़ों का नुकसान हो जाता। नहीं तो मैं आज का दिन कैसे भूल सकती हूं? कैसे भूल सकती हूं मैं आपकी सालगिरह, वो दिन जिस दिन की वजह से मेरी पूरी जिंदगी तबाह हो गई। अगर हमारा करोड़ों का फायदा हुआ है तो घाटे में तुम भी नहीं हो, अंडरस्टैंड दैट? तुम्हारा भी फायदा हुआ है। ये मत भूलो कि मैं जानता हूं कि तुमने निकाह क्यों किया। आप जैसा इंसान जिसकी सोच और जिसकी जिंदगी सिर्फ पैसे के चारों तरफ घूमती, वो इससे ऊपर और इससे ज्यादा और सोच भी क्या सकता है? तो ये सब एहसास दिलाने के लिए तुमने वो केक रखा था, इज दैट व्हाई? आपको जो सोचना है आप सोचिए, क्योंकि आपकी सोच बदलना नामुमकिन है और मुझे अपनी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि मैंने वो केक किसी मतलब या किसी मकसद की वजह से रखा था तो खुदा के लिए अभी जाइए और वो केक उठाकर फेंक दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा बर्थडे, आई होप शाम को कोई बड़ी पार्टी रखी होगी, जाकर पूछता हूँ। खाला, आज पार्टी कितने बजे है? पार्टी? कैसी पार्टी? आज कोई भोज ही नहीं क्या? अरे वो जो हर दिन से अलग होता है, स्पेशल दिन? हाँ स्पेशल। नहीं किसी को भी मेरा बर्थडे याद नहीं है, किसी ने भी मुझे विश नहीं किया। अगर आप यहाँ होते तो आप जरूर एक बड़ी पार्टी रखते, है ना अम्मी? आज पहली बार किसी को मेरा बर्थडे याद रहा है। क्या तकदीर है मेरी, मेरे अपने, यहाँ तक कि मेरी अम्मी भी भूल गई आज की तारीख। मेरा वजूद तो गैरों से जिंदा है।
happy birthday to me. Happy birthday to me.